मेरी अवाम उन्नास से अपील है कि बिला ज़रूरत घर से मत निकलें, और अगर किसी मजबूरी के तहत निकलना भी पड़ता है तो गाड़ी में दो से ज़्यादा लोग नहीं बैठे, एक ड्राइवर सीट पर और एक पिछली सीट पर, और इसी तरह मोटरसाइकिल डबल सवारी पर पाबंदी है। ये लोग इसको मजाक मत लें, ये इंतहाई सीरियस वायरस है और इंतहाई खौफनाक हद तक ये नुकसान करती है। तो आप अवामुन्नास से अपील है कि वो बिला वजह घरों से मत निकलें, बच्चों को लेकर सैर सपाटे के लिए मत निकलें, और जो भी निकलता है उसको चाहिए कि वो मास्क पहने और इसी तरह अपना तहफ़ करके निकले, और बिला वजह किसी भी जगह ना निकलें ना बैठें, और एक से दूसरे फर्द का फासला कम से कम 3 फुट होना चाहिए। अगर इससे कम फासला होगा तो एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये वायरस मुंतकिल हो सकती है। सबसे बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि इस वायरस का किसी को कोई इलम नहीं होता, और इब्तदाई तौर पर कोई इसकी अलामत ज़ाहिर नहीं होती, और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाती है। गैर ज़रूरी तौर पर इस्लामाबाद में दाखला पर पाबंदी है, और यहाँ पर किसी भी ऐसे शख्स को जिसका इस्लामाबाद से कोई काम नहीं है, कोई तल्लक नहीं है, और बिला ज़रूरत जाना चाहता है, उसके लिए पाबंदी है, वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकता। और अगर किसी का कोई मसला है, तो किसी की कोई मजबूरी है, तो उसका हम बाकायदा कार्ड देखकर उसका प्रॉब्लम सुन के अगर वो ज़रूरतमंद है तो उसको मुतलका जगह भिजवाते हैं, या फिर वहाँ का रहशी है तो किसी सेक्टर में जाना चाह रहा है तो उसको हम छोड़ देते हैं। इस तरह आम लोगों को चाहिए कि खुदारा वो घरों में बैठें, और आपके लिए हम मौजूद हैं, और इंशाल्लाह हम अपनी आवाम की खिदमत के लिए हमा वक़्त 24 घंटे रेडी हैं।